सपा विधायक के खास कहे जाने वालों ने ओमपुरवा में गिराया गरीब महिला का मकान। आमिर और आसिफ ने योगी आदित्यनाथ के आदेश को दी खुली चुनौती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भूमाफियाओं के खिलाफ दहाड़ा, लेकिन अफसोस ये है कि मुख्यमंत्री माफियाओं के खिलाफ दहाड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन इनके अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये हम बेवजह नहीं बोल रहे हैं, बल्कि थाना जाजमऊ के अंतर्गत ओमपुरवा में रहने वाली बुजुर्ग महिला का मकान आमिर और आसिफ ने गिरा दिया। वहीं बुजुर्ग महिला ने बताया कि लगभग 26 वर्ष पहले सलीम बाबा ने जमीन बेचने के नाम पर 420 करके पैसा लिया था। लिखा पढ़ी करने के नाम पर करता रहा गुमराह, जिसके गवाह भी मौजूद हैं। लेकिन पुलिस ने मुकदमा हल्की धाराओं में लिखकर आमिर आसिफ को बचाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि योगी सरकार आमिर और आसिफ योगी आदित्यनाथ के कानून को भी ताक पर रखकर आमिर और आसिफ अपनी जेब में रखते हैं थाना पुलिस। जाजमऊ पुलिस ने आखिर क्यों किया धाराओं में खेल? आमिर और आसिफ व उनके अन्य साथी खुलेआम पीड़ित महिला पर समझौता करने का बना रहे हैं दबाव। दबाव न बना पाने पर पत्रकारों को खबर नहीं चलाने की मिल रही है धमकियां। आपको बता दें, मौके पर जब पत्रकारों ने इसकी जानकारी करनी चाहिए तो आमिर और आसिफ ने पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की। और मैं फिर इस बात पर कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। अब सवाल ये उठता है कि आमिर और आसिफ पर कानपुर का प्रशासन क्या उचित धाराओं में करेगा उचित कार्रवाई, या यूं ही इन बेखौफ दबंगों को बढ़ावा देती रहेगी पुलिस? हम आपको बता दें कि आमिर और आसिफ का थाना चमनगंज से गहरा नाता रहा और सपा विधायक के खास होने की वजह से नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। अगली खबर में हम दिखाएंगे कि आमिर और आसिफ ने कहां कहां अपनी दबंगई के बल पर पीड़ितों की जमीन को कब्जा करने का कार्य किया। आधिया न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।